कैसे हम रख सकेंगे। लेकिन एक वक्त तो वो भी आया कि रमजान शुरू भी हो गया और रमजान का जो पहला आशरा था रहमत का वो हमारे हाथों से चला गया। क्या हमने पहले आशरे में जो रहमत का आशरा था उस आशरे के अंदर अल्लाह की रहमतों को समेटा, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया? क्या जैसे रमजान गुजारना चाहिए था वैसे हमने रमजान गुजारा? नहीं गुजारा। इसमें मेरी भी कमजोरी है, आपकी भी कमजोरी है, हम सब ने इसमें कोताही की है। अब वो वक्त चला गया, क्या मालूम आइंदा पहला आशरा हमें नसीब हो या ना हो या कब्रिस्तान में जाकर सोना पड़े, कोई मालूम नहीं। अब वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। दूसरा आशरा मगफिरत का आशरा चल रहा है और इस मगफिरत के आशरे के अंदर अपने गुनाहों पर नदामत, बंदा गुनाहों पर नदामत करेगा, अल्लाह के सामने आजीजी करेगा, भाई तारा मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा परवरदिगार है, मेरे अंदर स्वर का मादा भी रखा है, खैर का मादा भी रखा है और तूने मुझे इंसान बनाया है, भाई तारा चलते फिरते उड़ते उड़ते मुझसे बहुत सारे गुनाह होते हैं, रोजे रखने की हालत में भी मुझसे गुनाह नहीं छूट रहे हैं, भाई तारा मैं अपने गुनाहों पर नादिम हो शर्मिंदा हो तो मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन कोई बंदा माफी चाहे तब? हाँ, बंदा आजीज बनकर, छोटा बनकर, अंधा बनकर अल्लाह के सामने जब पेश होता है अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करवा देते हैं। इसलिए हमारे सामने अभी मगफिरत का आशरा चल रहा है और आगे जो आशरा आएगा आज से खलासी का आशरा, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो रातें नसीब फरमाई है कि उस रात के अंदर इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत कुछ देंगे। हम सोच भी नहीं सकते इतनी सारी नेकियां हमारे नामा अमाल में लिखी जाएगी। इसलिए हमें उन रातों की भी कदर करनी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने रमजान की शब के अंदर देखा कि फरिश्ते तैयारियां शुरू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहन रहे हैं, अल्लाह ने इनको मुनकसिब किया होगा। जिस तरह के शादी के एक दिन पहले अगले दिन कैसे दूल्हा तैयारी करता है, फरिश्ते भी तैयारी कर रहे हैं। अगली रात जब हुई तो शबे कदर की रात भी मैंने फरिश्तों को देखा कि वो आसमान से उतर रहे हैं और उनके हाथ के अंदर नूर के कप्पाक हैं और वो लेकर जमीनों पर आ रहे हैं और बड़े हसास बसास हैं और वो जमीन पर उतर रहे हैं। फिर जब वो रात खत्म हो गई और अगली रात आई तो उस रात के अंदर मैंने देखा कि फरिश्ते बड़े गुस्से के साथ, बड़े गजब के साथ और नाराज होकर वापस आसमानों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने इनको मुनकसिब किया और फरिश्ते ये कह रहे थे क्या उनके लिए ये नहीं था कि उस रात के अंदर हम इतनी सारी तैयारी करके इनके लिए आए थे, वो इस रात के अंदर अल्लाह की इबादत कर लेते, अल्लाह के सामने खड़े हो जाते, क्या उसके अगली वाली रात का भी इनके लिए कोई हक नहीं है? ये कहते कहते फरिश्ते गुस्से से आसमानों की तरफ जा रहे हैं। फरमाते हैं कि उस रात के अंदर शायद किसी ने कयाम नहीं किया होगा, अल्लाह की इबादत नहीं की होगी, इसलिए फरिश्ते नाराज होकर जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे सामने रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, इस महीने